तो फ्रेंड्स, ये विला है, यहाँ हम रुके थे बाद में, और यहाँ से पूरा सिटी का व्यू मिलता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन। आज हम जा रहे हैं ट्रेल करने के लिए, जो कि कितना माइल लंबी है ट्रेल, कितनी माइल लंबी है? 10 किलोमीटर। ओह, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट। किधर जाना है? ऊपर जाना है, कहीं मीडोस कुछ है, पार्थिक मीडो पे जाना है, जहाँ से हमारा ट्रेल शुरू होगा 10 किलोमीटर का। तो बस वहाँ भी पहुँचने वाले हैं हम। चलते हैं। चलो, ठीक है। फिर पानी का लेवल नीचे कर रहे हैं, नीचे निकल पाए। पहले रिवर का लेवल कितना हाई है ना, कैनाल का। पानी पहले उस लेवल पे रहता है, फिर पानी को ये लोग कम करते हैं, तब जाके बोट नीचे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप किस तरह से उन्होंने बना रखा है, यहाँ पे आप किसी भी हाइट पे आप उन्होंने आप बोट को पहुँचा सकते हैं। चले, तो हम पहुंच गए हैं ट्रेल के स्टार्टिंग पॉइंट पे। हम श्याम कैसल जा रहे हैं, श्याम कैसल जा रहे हैं, हम श्याम जी के कैसल जा रहे हैं। लोगों ने अपने रेनकोट्स पहन लिए क्योंकि प्रेडिक्शन है 12 बजे के बाद बारिश की, और पूरा पांच सिटी पीछे दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और ये काले बादल हमारे सर के ऊपर, अलग ही फील है इस सिटी की, पूरी रोमन फील है, घर की, घरों की, कैसल की, बहुत चार्म है सिटी। के लिए वो बना रखा है, किसी का काम चल रहा है, छोटा सा कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा होगा, जैसे छोटा बड़ा जो भी हो रहा है। इन्होंने एक केबिन बना रखा है, ऑफिस है वहाँ पे, इनके टूल्स का केबिन है, लंच के लिए रूम है, और यहाँ बाथरूम का केबिन है।
फोटो कैबिन टाइप। सो ये हिल चढ़ के हम ऊपर आए हैं, तो अच्छे आपके पास शूज होने चाहिए और वाटरप्रूफ देखो, जबकि क्या हो गया निशा, आपके घुटनों में मिट्टी क्यों लगी है? घुटनों में क्या? ये देखो, इधर भी दिखाओ, उधर। ओह, तो फिसल गए आप इस पे। तो इसका मतलब ये जूते ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, तो नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ पे ट्रैकिंग मत करें, प्रॉपर ट्रैकिंग के शूज़ लें। और इंग्लैंड में हैं तो आप ज़रूर वेदर प्रेडिक्शन देखें, क्योंकि उसके हिसाब से वेदर अगर बारिश वाला हो रहा है जैसे अभी हो रखा है, तो उसके कारण इस तरह का जगहों पे आप गिर सकते हो। अधिकतर ट्रैकिंग और ट्रेलिंग के रास्ते ऐसे ही होंगे। तो अब हमें ढूंढना है, आई थिंक ये कैसल का डोर लग रहा है। यहाँ से देखिए बाथ का व्यू बहुत सुंदर है, और ये एक रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, एक ट्रेन ये भी जा रहा है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कैसल में, और यहाँ का जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त है। और 1762 में 1762 में बना था ये। तो मुझे नहीं लग रहा कि आज हम पूरी कर पाएंगे, पर ये एक हमारे लिए प्रिपेयरनेस है, ताकि हम स्कॉटलैंड जाएंगे तो वहाँ की जो हम वहाँ प्रॉपरली कैसे ट्रैकिंग करेंगे, तैयारी करके जाना है ट्रैकिंग के लिए। बट यस, अच्छा एडवेंचर है। काफ़ी ऊपर आ गए हम सिटी से, लगभग हमने आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर चल के ऊपर आए हैं घूम घाम के। काफ़ी दूर है हमारी पार्किंग, शहर में काफ़ी दूर पार्क किया था, वहाँ से पूरा शहर हमने क्रॉस किया और उसके बाद हम ऊपर आए हैं, हिल पे आए हैं, और एक शैम कैसल में हम पहुँचे हैं। ये रॉयल फैलन ने 1762 में बनाया था, तो बाद में रिस्टोर किया गया। आगे उधर से दिखाते हैं। सो इस तरफ एक गोल्फ कोर्स दिख रहा है कैसल के पीछे, और ये देखिए ये कैसल है यहाँ पे। बेसिकली एक दीवार ही दिख रही है, कैसल तो कोई खास नहीं है, पर शायद कोई कैसल यहाँ पे रहा होगा पुराने टाइम पे। और नीचे शहर का भी काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे लगता है कोई गोल्फ कोर्स है, और साथ में ईटरी है कहीं पे, सर्विसेज और ईटरी जहाँ पे आप जाके लंच वगैरह कर सकते हैं। निशा, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका 3 माइल्स वॉक करके आने का, गिरने का, और गिर के वापस उठने का? लाइफ में यही तो है, गिर के उठो। तो मेरे फोन के साथ गिरे, मिट्टी मिट्टी थी फोन पे, मेरे को नहीं पूछा कि नहीं, फोन को मैं टच करा। गिर के उठने वाले ही जो होते हैं वो चैंपियंस होते हैं, बाजीगर होते हैं। ये वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, लेट्स गो बैक। मड बात हो गई। हाँ, बाथ में आके मड बात कर लिया आपने, यही तो हुआ। यहाँ पे रोमन आके भी ये मिट्टी लगाते, लोकल मिट्टी लगाते थे, उसको कहते हैं मिनरल रिच है, उससे जो है सारी शरीर की व्याधियाँ दूर हो जाती हैं, बीमारियाँ। सुलिस मिनर्वा देवी, देवी जी सुलिस मिनर्वा, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। ये देखिए कितना सुंदर किसी का घर दिख रहा है आगे, ये चेरी ब्लॉसम, वाइट चेरी ब्लॉसम का ट्री है, और सुंदर कॉटेज स्टाइल घर है, समर हिल। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे बकरियाँ हैं, उन पे रंग भी लगा रखा है ताकि उनको बेसिकली मार्क किया जा सके। निशा, मेरे ससुराल वाले भी तो करते हैं ना बकरी पालन का उद्योग, तो हमारे यहाँ भी होता है उत्तराखंड में। मेरे ससुराल में भी तो होता है बकरी पालन। डालोगे वीडियो में? नहीं तो आपका पालन हो जाएगा। अच्छा, मेरा पालन हो जाएगा? भाई हमारे यहाँ तो करते हैं लोग, मेरे गांव में भी करते हैं। तो रहते ही नहीं है, तो गाजियाबाद में रहते, ताई रहती है, अब कोई नहीं करता। ससुराल में और भी तो लोग होंगे, जटरी में और लोग भी तो होंगे। निशा, ये क्या होंगे इतने पुराने? आई थिंक ये पुराने रोमन टाइम के ही, या फिर उसके बाद के बने हुए, पर डेफिनेटली हाँ पुराने हैं ये। कितने लगे हुए घर है ना? हाँ, चिपके हुए घर है बहुत सारे, बिल्कुल सिटी के सेंटर में है।
आ जाओ। निशा ये है वो घर जो उधर उतनी दूर से सीधे सीधे कैसे दिख रहे थे, जो इतने सारे लाइन में एक लाइन में है ना, लंदन की फीलिंग भी आ रही है कुछ कुछ। हाँ अपार्टमेंट सही है। अच्छा ऐसे सिटी में मैंने देखी नहीं, आप फर्स्ट टाइम ही देखी बात। तो ये बाथ में रॉयल मिनरल वाटर हॉस्पिटल भी है, बड़ा फनी सा नाम लग रहा है आई थिंक, क्योंकि बाथ को कई सालों से लोग, कई सेंचुरीज से लोग, या ये कह रहे हो पिछले 2 मिलेनिया से, 2000 सालों से इसलिए जानते हैं कि यहाँ पे मिनरल वाटर की स्प्रिंग है और उससे कई तरह की बीमारियाँ दूर होती हैं। तो देखिए इस तरफ ये हाई स्ट्रीट दुकानें दिख रही हैं और अब हम जा रहे हैं अपने कार पार्क की तरफ, जहाँ हमने अपनी कार लेनी है और वापस मिल्टन कीन्स की तरफ चल निकलना है। हाँ पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा था जो हमने खाया, तो मैंने एवोकाडो सैलड और पिज़्ज़ा खाया हमने, पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगा। तो बाथ में जो दूसरी चीज़ हमने देखी वो ये है, ये बाथ कॉलेज आई थिंक, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ राइट में और लेफ्ट में बाथ कॉलेज, ये भी दो पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं।